पंजाब पुलिस के एक बड़े अधिकारी की नीली बत्ती का आरोप उसे उस समय भारी पड़ गया जब ज्वालामुखी पुलिस ने शुक्रवार को इस पुलिस अधिकारी की गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती का चलान काट दिया। इस बीच पुलिस के अधिकारी की नीली बत्ती का चलान काटते हुए नीली बत्ती को भी अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही चलान के रूप में कुछ नकद राशि भी प्राप्त की गई। डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज ने इस मामले की पुष्टि की है। दरअसल पीबीआईपी कल्चर खत्म होने के बाद ही कुछ अधिकारियों के अपने रुतबे व शोक नहीं हट रहे, ऐसा ही वाक्या ज्वालाजी में देखने को मिला जब पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य मंदिर मार्ग पर एक गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती का चलान काट दिया। सर डीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हुई है और आज जो चलान कटा है तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। ये सरकार की सरकार के जो आदेशानुसार जो सारे के सारे डीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए सभी गाड़ियों से जो है बत्तियाँ हटाई जा चुकी हैं एक्सेप्ट एमरजेंसी व्हीकल्स, लेकिन फिर भी आज एक पंजाब की एक गाड़ी जो है बत्ती लगा के नीली बत्ती लगा कर यहाँ घूमती हुई पाई गई थी जिसका नियम के अधीन रहते हुए चलान कर दिया गया है। आइंदा भी अगर कोई ऐसी गाड़ी मिलेगी तो उसके चलान किए जाएंगे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ज्वालामुखी से पंकज सोनी की रिपोर्ट।